एक बार की बात है, एक शेरनी अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। वो बहुत दिनों से भूखी और प्यासी थी। तब घूमते घूमते आखिरकार उसने देखी कि एक भेड़ों का झुंड जा रहा है। तब शेरनी ने तुरंत दौड़ी और उन भेड़ों पर आक्रमण कर दिया था। तब उसने उस झुंड में से एक भेड़ को घसीटकर बाहर निकल लाई। लेकिन इन सब के बीच में वो भूल गई थी कि उसकी एक बच्चा उन भेड़ों के बीच में छूट गया है। भेड़ों ने जब देखा कि एक शेर की बच्चा उनके बीच में रह गया, तो फिर वो अपने साथ ही उसे रख लिया था। तब वो शेर का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही पलने बढ़ने लगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वो शेर का बच्चा भी बड़ा होता गया। एक दिन वो ऐसे ही कुछ भेड़ों के साथ घूम रहा था, पर तभी वहां से एक दूसरा शेर गुजर रहा था। तब भेड़ों का झुंड देखकर जब वो शेर शिकार करने के लिए आगे बढ़ा, तो फिर उसने देखा कि भेड़ों के बीच में और एक शेर है, पर वो डर कर दौड़ता चला जा रहा है। तब उसने सारे भेड़ को छोड़कर उस शेर के पीछे भागने लगा, और भागते भागते जब वो उसके बराबर में आ गया, तो फिर उसने कहा, मेरे भाई, मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम आखिरकार भाग क्यों रहे हो। तब उसने डर कर गिरगिराने लगा और कहा, मुझ पर हमला मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। तब वो दूसरा शेर ने उसे घसीटकर एक तालाब के पास ले गया। तब उसने उस शेर को तालाब के पानी में अपने परछाई को देखने के लिए कहा और उसे कहा, अरे भाई, अच्छे से देख तो ले, तू भी शेर ही है। और तब उसके अंदर हिम्मत आया था। तब उसने उस शेर से कहा, भाई, एक बहुत जोर से दहाड़ मार, इतना जोर से दहाड़ मार कि पूरी जंगल हिल कर रह जाए। तब उस वाले शेर ने अपने शक्ति को पहचाना और जोर से दहाड़ मारा। दोस्तों, इस कहानी का सीख ये है, हम लोग अपने जीवन में किन लोगों के साथ रहते हैं, किन से बात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके आसपास में अगर नेगेटिव थॉट्स वाले लोग हैं, तो फिर आपके जीवन में पॉजिटिविटी कभी भी आ ही नहीं सकता। आप अगर भेड़ों के साथ ही रहेंगे, तो फिर शेर कभी भी नहीं बन पाएंगे। हिंदी में एक कहावत है कि भीड़ हमेशा अलग रास्ते पर चलती है, पर जिस रास्ते में भीड़ चलती है, ये जरूरी नहीं होता है कि वो सही हो। आप अपने शक्ति को खुद पहचानिए और अपना रास्ता खुद बनाइए। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, और उसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।